हे भगवान, कहीं दादी जी मुझे यहाँ ना देख लें। ये वास कैसे गिरा? कौन था यहाँ पर? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया? म्याओ, म्याओ। बिल्ली, म्याओ। घर में बिल्ली है, लेकिन बिल्ली आई कहाँ से? अभी पूनम को जाके बताती हूँ। रसोई का दरवाजा बंद कर दे, नहीं तो रसोई में भी घुस जाएगी। हाँ, अभी बताती हूँ। मम्मी यही है आपके पास, आप आराम से सो जाओ। आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी। आपकी मम्मी आपसे पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत जल्द आप दोनों के पास वापस आऊंगी। सॉरी रुचिता, भाभी के कातिल को ढूंढने के लिए तुम भाभी के रूप में इस घर में आ गई। तुम छुप छुप के अपने बच्चों से मिल रही हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं निहार जी, प्लीज, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरा इस प्लान में साथ दे रहे हैं, वही मेरे लिए काफी है। जब पहली बार मैंने आपको इस प्लान के बारे में बताया तब आपने मुझे हिम्मत दी थी निहार जी, इसलिए प्लीज बस इस हिम्मत को बरकरार रखिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज ऐसे ऋतु भाभी का रूप लेके मैं प्रतीक भैया और पूरे परिवार को धोखा दे रही। नहीं रुचिता, तुम देखना, जब इस प्लान के जरिए भाभी के कातिल तक हम पहुंच जाएंगे तो सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी और फिर तुम्हारे यहाँ रहने से जूही को भी तसल्ली मिलेगी। उस भाभी के कातिल का हमें जल्द से जल्द पता लगाना, फिर हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। तुम देखना रुचिता, हम बहुत जल्द अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। मैं चलती हूँ निहार जी। आज यही रुक जाओ ना बच्चों के साथ, कल सुबह जल्दी उठ के चली जाना प्लीज।
तू जिंदा कैसे बच गई? उस डॉक्टर ने तो कहा था कि मर गई। कैसे झोला छाप डॉक्टर है यहाँ के, वो जिंदा इंसान और मरे हुए इंसान में फर्क भी नहीं पता। वो तो शुक्र है कि उसको कुछ भी याद नहीं, पर उसको कुछ भी याद होता अभी तक तो बैंड बच गई होती। स्वच्छता के बैंड बजाने की बात कर रही थी। अच्छा वो चली गई, वरना मैं उसे छोड़ती नहीं। भगवान की कृपा से ऋतु बच गई, लेकिन अब ये पता करना बहुत जरूरी है कि आखिर उसे धक्का किसने दिया था। हे भगवान, कहीं ऋतु मेरा नाम ना ले ले। चलो चलकर उससे पूछते हैं, आओ। मैं क्या करूंगी पूछ के? क्या करूंगी क्या मतलब? अरे चलो, कुछ नहीं तो उसका हाल चाल ही पूछ लेना। तुम दोनों को इस घर में साथ में रहना है, इसलिए ये आपसी रंजिश ना खत्म करो। आओ मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ। सात बज गए। रुचिता 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 जल्दी उठो, सात बज गए। क्या? हे भगवान, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? निहारी सब जग गए होंगे। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, तुम फटाफट जाओ, कुछ होगा तो देख लेंगे बाहर। अभी जाओ। सुनो, I love you। क्या निहारी, टेंशन में मेरी जान जा रही है और आपको रोमांस सूझ रहा है? छोड़ी। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं क्या करूं? रूम में जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लेना। जाओ। ठीक है। मम्मी, हाँ हाँ बेटा, मम्मी आएगी ना, सपने में आएगी। सोचो सोचो, हे भगवान, ये दिशा और माँ तो मेरे रूम की तरफ ही जा रहे हैं। अब क्या करूं? मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया और ब्लाउज भी फट गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ साफ नजर आ रहे हैं। करूं तो क्या करूं? अभी तो रितु को कुछ याद नहीं है, लेकिन कहीं मेरी शक्ल देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल गई तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करूं क्या करूं? अरे क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, से चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे पर तुम गिरी कैसे? अरे वो चलते चलते पल्लू में पैर अटक गया। यही सही मौका है, मैं स्टोर रूम की खिड़की से निकल जाते हैं, वो सीधा गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं। तुम भी ना दिशा, देख कर नहीं चल सकती क्या? माँ जी, आप ही हो आई है ना ऋतु जी के पास, मैं नहीं चल पाऊंगी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है जाओ, जाकर कोई मलहम मलहम लगा लो तुम। ऋतु ऋतु ऋतु, कपड़े चेंज करने का तो टाइम ही नहीं है, और अगर ये नहीं छुपाया तो माँ को मेरा रंग दिख जाएगा। क्या करूं? ऋतु, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, दरवाजा खोलो। ऋतु, दरवाजा नहीं खुलता। ऋतु, तो दरवाजा खोलने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? वो माँ वॉशरूम में थी। यह
ये तुम्हारा ब्लाउज कैसे फट रहा? वो माँ जल्दी जल्दी वॉशरूम से निकल रही थी तो कील फंस गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ माँ। तो मैं जानती हूँ पिछले कई दिनों से तुम बहुत सारी तकलीफों से गुजरी। वो तो खाटू श्याम जी की कृपा थी जो तुम हमें वापस मिल गई, वरना रुचिता ने तो तुम्हें हमसे छीन लिया था। हे भगवान, कहीं माँ ये मेकअप का पेंट ना देख ले। क्या हुआ, तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? माँ मुझे मुझे कुछ कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो जब भी सोचने की कोशिश करती हूँ तो सर दर्द होने लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम आराम करो आराम करो। चाको राखे साइया मार सके न कोई। कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी आराम करो। बाल बाल बच गए। अरे वो खराब हो गया क्या? इसे खींचा क्यों तुमने मुझे? सॉरी माँ जी, मुझे बस ये जानना था कि क्या हुआ, क्या कहा ऋतु जी ने, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया उसने। कुछ भी याद करती है तो उसके सर में दर्द सा होने लगता है, इसलिए ना मैंने भी कोई जबरदस्ती नहीं की उससे। ये क्या है? ये पेन ये कहां से आया? अभी तो नहीं था। माँ जी आपके हाथ में पेंट है, उसी से मुझे लगा। ये कहाँ से आया पेंट? पता नहीं, लेकिन घर में तो पेंट का कोई काम भी नहीं चल रहा, तो फिर कहाँ से आया? अरे कहाँ ना, मुझे नहीं पता, मैं तो सीधे ऋतु के कमरे से चली आ रही हूँ। पर खैर भाई, पेंट कहाँ से लगा, कैसे लगा, तुम्हें क्या करना है जानकर? तुम अपने काम से काम रखो ना। और हाँ, ऋतु को परेशान मत ही करना तो बेहतर होगा। ये तुम्हारी आपसी रंजिश है ना, इसे बाद में सुलटा लेना। अभी उसे ठीक से सही तो हो जाने तो पहले, कहीं तुम्हारी वजह से खामखा उसका स्ट्रेस बढ़ गया तो आखिर तुम उसकी सौ। सौतन यही तो नहीं बनना था मुझे, इसीलिए तो उस ऋतु को धक्का दिया था। पता नहीं वो कैसे बच गए। मुझे ऋतु पे नजर रखनी होगी। जूही अपनी मम्मी की तरफ देखो ना, जूही मम्मी की ओर देखो, देखो आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती। जूही मेरी तरफ देखो ना बेटा, क्या हो गया आपको? आ,
ये खिलौना याद है आपको? ये खिलौना याद है आपको? याद है आप जब रेस में जीती थी तो मैंने आपको ये लाके दिया था। जूही बेटा देखो ना एक बार इस तरफ। जूही आपको कितना पसंद है ना ये खिलौना, कितना खेलते थे आप इससे। ये रितु कहाँ गई? जाके देखती हूँ उसे। ये तो बिल्कुल वैसे ही पेंट है जैसा माजी के हाथों में लगा था, पर ये पेंट यहाँ आया कैसे? घर में तो कुछ पेंट का काम भी नहीं चल रहा है, आखिर चक्कर क्या है? ये तो रूही की पेंट बॉटल से। ये फैमिली पिक्चर याद है आपको? जूही ये फैमिली पिक्चर देखो ना आप, हमने साथ में फोटो शूट किया था, हमने कितने खुश थे, हम हंस रहे थे। जूही देखो ना एक बार अपनी मम्मी की तरफ प्लीज। जूही ये कार्ड तो याद है ना आपको? आपने ये अपनी मम्मी के लिए बनाया था, ये याद है ना आपको जूही? हाँ हाँ जूही मेरी तरफ देखो। जूही 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 आप सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। जूही कितनी परवाह कब से होने लगी? और ये कैसे मुंह ढक के क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है। पहले रितु के कमरे में वो पेंट मिलना और फिर रितु का जूही से ऐसे बिहेव करना, चक्कर क्या है पता तो लगा नहीं होगा। मुझे दिशा से बच के रहना होगा। दादी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी। आज मैं मंदिर गई थी तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने। खाटू जी ने तुम्हें मौत से बचाया है और एक नया जीवन दिया है। मैंने पंडित जी को भी तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने एक पूजा का सुझाव दिया है जो तुम और प्रतीक साथ में करोगे। ये उमा महेश्वरी पूजा है। जब पति और पत्नी मिलकर ये पूजा एक साथ करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है और परिवार हमेशा खुश रहता है। शाह
माँ जी अगर ऐसी बात है तो हम पक्का ये पूजा करेंगे। निहार, इसमें पूजा का सारा सामान लिखा है, ले आ। खाटू जी, आपने ये कैसे दुविधा में डाल दिया है? पति पत्नी की पूजा मैं प्रतीक भैया के साथ कैसे कर सकती हूँ? अब क्या करूँ मैं खाटू जी? मुझे पूजा में नहीं बैठने का कोई ना कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं मैं? बीमार होने का बहाना बनाऊं या चक्कर आने का? अभी मैं जो आपसे पूछूंगी ना, आप बस यस और नो में जवाब देना। आपने उस दिन किसी को देखा था? कहाँ थे वहां पे? अभी मैं जो आपसे पूछूंगी ना, आप बस यस और नो में जवाब देना। आपने उस दिन किसी को देखा था? कहाँ थे वहां पे?